आइए आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस के सिलसिले में, जब हम प्रकृति में विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहारों जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। वस्तुओं के इस अध्ययन को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है और तथा इसके तथ्य को इकट्ठा किए जाते हैं। तत्वों के आधार पर ही वस्तुओं के गुण और उसकी प्रकृति का पता लगता है। अतः विज्ञान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उसके उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कई शाखाएँ होती हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि। विज्ञान क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को कार्य रूप में लाना ही विज्ञान है। ज्ञान असीमित है, अतः विज्ञान के भी असंख्य रूप हैं। विज्ञान के कई प्रकार की शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी, गणित विज्ञान मैथमेटिक्स, भूगोल विज्ञान ज्योग्राफी आदि हैं। ये अलग अलग शाखाएँ विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन कराती हैं। विज्ञान के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में सुना होगा तो इस स्नातक से लेके एक जटिल चुनौतियां आती हैं। समीकरणें कठिन लोगों को लगती हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए बहुत से लोग इन मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। PhD करने के बाद बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। इसके बावजूद विश्व में शीर्ष 150 संस्थानों में भी अध्यापन का कार्य करते हैं। तो हमेशा के अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि विज्ञान के बारे में, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रारंभिक विद्यालय में जो साइंस पढ़ाई जाती है, उस साइंस को आगे चल करके तकनीकी विशेषज्ञ लोग जब बनते हैं तो उन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है।